हेलो फ्रेंड्स, कंपनी लॉ 2013 के अंदर जो हमारा टॉपिक है, डैट इज़ दी प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं। देखो, प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंपनी अपने बर्थ से पहले जो है उनके बिहाफ पे जो प्रमोटर एंटर करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो क्या ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, क्या कंपनी जो है किसी को स्यू कर सकती है या अदर पार्टी जो है स्यू कर सकती है, और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे डाल दिया, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एजेंट या ट्रस्टी जो है प्रोस्पेक्टिव कंपनी के बिहाफ पे जो है एंटर करते हैं, और कंपनी जो होती है एग्जिस्टेंस में नहीं आती, और प्रमोटर ऑफ ए कंपनी जो है जैसे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है या कोई राइट एक्वायर करना है तो उसके लिए वो जो है कंपनी के बिहाफ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है एंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, क्या कंपनी जो है उसके लिए क्या कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या जो उसकी बर्थ से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं कंपनी को उनको मानना पड़ेगा, या दूसरी पार्टी जो है कंपनी को स्यू कर सकती है या कंपनी किसी को स्यू कर सकती है। तो ये हम लीगल पोजीशन के अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है दे आर मेड बिफोर इट इज़ ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड। प्रमोटर जो होते हैं नेचुरली जो चीज़ अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई तो वहाँ पे उसके एजेंट्स क्या हो सकते हैं, तो कंपनी इज़ नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द प्रमोटर डन बिफोर इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी जो है प्रमोटर ने जो उसकी बर्थ से पहले किया है उसके लिए वो लायबल नहीं है। जैसे इंग्लिश कॉलोनियल प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड के अंदर क्या है कि जैसे एडवोकेट सॉलिसिटर ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के लिए बनाता है, क्योंकि उसने ये जो चीज़ें हैं प्रमोटर के कहने पर कुछ लोगों के इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे की होती है, और कुछ नेसेसरी खर्चा भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन पे करता है। और उसके बाद क्या होता है कि कंपनी जो है उससे वो पैसे मांगता है, तो कंपनी जो है वो मतलब कोर्ट के अंदर ये केस जाता है, तो वहाँ पे जो जजमेंट दी जाती है कि कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी तो कंपनी को फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वो फोर्स में ही नहीं आई तो उसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं है। कंपनी कुड नॉट बी स्यूड एज इट वाज नॉट एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द एक्सपेंसेस आर पेड। तो यहाँ पे जो अप्रूवल है डैट वॉज इम्पॉसिबल। लीगल पोजीशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन, कंपनी कैन नॉट इन्फोर्स प्री इनकॉर्पोरेशन। द कंपनी कैन नॉट रेटिफाई ए प्री इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड द अदर पार्टी लाइबल। देखो, जिस तरह क्या है कि अदर पार्टी जो है कंपनी को स्यू नहीं कर सकती, उसी तरह कंपनी जो है दूसरी पार्टी को भी स्यू नहीं कर सकती। जैसे कि इस केस के अंदर नेटल लिमिटेड वर्सेज क्लोनलाइजेशन कंपनी लिमिटेड वर्सेज पोलैंड कॉलरी एंड डेवलपमेंट सिंडिकेट लिमिटेड केस के अंदर क्या हुआ कि जैसे नेटल लिमिटेड वर्सेज क्लोनलाइजेशन कंपनी लिमिटेड ने एजेंट ऑफ द पोलैंड कॉलरी डेवलपमेंट के साथ जो है एग्रीमेंट किया है कि वो जो है सिंडिकेट को एक माइनिंग लीज प्रोवाइड करेंगे और सिंडिकेट रजिस्टर हो जाती है, तो कंपनी जो है बाद में इसको लीज देने के लिए मना कर देती है। तो यहाँ पे सिंडिकेट जो है नेटल लैंड पे केस करती है तो कि इस एग्रीमेंट को स्पेसिफिकली एग्जीक्यूट किया जाए, और डैमेजेस भी क्लेम करती है। तो वहाँ पे इसका जो केस था वो डिसमिस किया गया कि जो सिंडिकेट है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी एग्जीक्यूशन उसकी बर्थ से पहले हुआ है, तो यहाँ पे सिंडिकेट जो है दूसरी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी बर्थ से पहले हुआ, ना ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए और ना ही डैमेजेस के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का अर्थ है जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है इनिशियली तो उसको उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर एग्जीक्यूट किया जा सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं वो प्रपोज कंपनी होती है जिसको अभी हम सोच रहे हैं कि इसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है। तो अगर वो प्रपोज कंपनी के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए वो खुद पर्सनली जो होते हैं लायबल होते हैं। तो यहाँ पे कैलनर वर्सेस बैक्स्टर के अंदर क्या है कि प्रमोटर ऑफ ए प्रोजेक्टेड होटल कंपनी परचेज्ड वाइन फ्रॉम द प्लांटिफ ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी अभी जो है बेसिकली क्या है कि देखो, प्राइस पे करने से पहले वो लिक्विडेशन में चली जाती है, तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स थे दे आर पर्सनली लायबल फॉर द पर्सनली लायबल, मतलब उनको वाइन के पैसे उनको देने थे, क्योंकि देखो जो एजेंट है वो भी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता कि दूसरी पार्टी को कहे कि आप इसको एग्जीक्यूट करो। जैसे न्यूज़ बॉर्न वर्सेस सैन सॉलिड लिमिटेड केस में हुआ था, जैसे ए ने शूज़
सेल करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था प्रोजेक्टेड कंपनी के नाम पे, तो नेचुरली यहाँ पे एजेंट जो है क्योंकि उसने कंपनी के बिहाफ पे किया है तो वहाँ पे वो दूसरी पार्टी के ऊपर जो है मुकदमा नहीं कर सकता। और उसी तरह क्या है कि आप समराइज वे से देखेंगे कि व्हाट आर दी रूल्स। देखो जो वेंडर है वो स्यू नहीं कर सकता और ना ही कंपनी जो है वेंडर को स्यू कर सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट जो है प्री इनकॉर्पोरेशन से पहले हुए हैं। तो पर्सन हु एक्ट फॉर द इंटेंडेड कंपनी रिमेन पर्सनली लायबल टू द वेंडर इवन इफ द कंपनी जो है उसको रेटिफाई करना चाहती है। देखो यहाँ पे जो इंटेंडेड कंपनी के बिहाफ पे जो जो वो करते हैं तो उनके लिए पर्सनल लायबल है। सिर्फ उसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो है कंपनी लायबल होती है अगर उस एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा है कि जो प्रमोटर की लायबिलिटी है जब कंपनी इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लेगी तो ख़त्म हो जाएगी। और दोनों ही पार्टी क्या है स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जब कंपनी अडॉप्ट नहीं करती तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं। या इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या होता है कि कंपनी जो है उसको अडॉप्ट कर लेती है लेकिन उसके अंदर न्यू टर्म्स उसको नए कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट करती है। और उसी तरह क्या है कि कई बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी जो है डायरेक्टर को डायरेक्शन दी जाती है कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए। और उसी तरह क्या है कि देखो प्री इनकॉर्पोरेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो है तब भी कंपनी के इनकेस्ट इनफोर्स हो सकता है अगर इनकॉर्पोरेशन की टर्म्स के मुताबिक ये नेसेसरी है और कंपनी इसको अडॉप्ट कर लेती है तो उस सिचुएशन के अंदर डायरेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि रेटिफिकेशन ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ए कंपनी कैन नॉट रेटिफाई ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर ऑन इट्स बिहाफ बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बर्थ से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन तभी अप्लाई होता है जब प्रिंसिपल एग्जिस्ट करता है और प्रिंसिपल के कहने पे एजेंट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करता है। तो इस सिचुएशन के अंदर तो देखो जो कंपनी है वो अभी बर्थ ही नहीं लिया तो कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर कंपनी के बिहाफ पे किया जाता है और दोनों पार्टीज़ को पता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो नेचुरली यहाँ पे प्रमोटर जो होता है उसके लिए पर्सनली लायबल होता है। और कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन के बाद चाहे तो अपनी मर्जी से दूसरी पार्टी के साथ जो है एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सेम बेसिस पे हो सकता है सेम टर्म्स पे हो सकता है। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 15H एंड 19E ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव बीन एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसी सिचुएशन में हो सकती है अगर कंपनी के पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है और जो टर्म्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन है वो उनके मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट होना नेसेसरी है और कंपनी जो है इनकॉर्पोरेशन के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेती है और ये जो एक्सेप्टेंस है उसको कम्युनिकेट होती है। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो उस सिचुएशन के अंदर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होती है इन्फोर्स हो सकती है, कंपनी इन्फोर्स कर सकती है या कंपनी के अगेंस्ट जो अदर पार्टी है वो इन्फोर्स कर सकती है।